स्वागत है आपका गोरखपुर में शिक्षा परिषद परिवार द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी में, जहां पे देखिए लोगों की भीड़ निरंतर बढ़ती जा रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पे शिक्षकों ने एक प्रदर्शनी लगाई हुई है, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा बच्चों के विकास के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यों को प्रदर्शित किया गया है। ये सेल्फी पॉइंट है जहां निपुण बच्चा क्या क्या सीखेगा तो उसे निपुण कहा जाएगा, वो सारी चीज़ें लगाई गई हैं। ये सेल्फी पॉइंट है और इधर आगे बढ़िए, यहां देखिए ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद गोरखपुर द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे तरह तरह के गेम्स बच्चों के लिए रखे गए हैं, देख सकते हैं आप। ये मैडम अरड़िया चंपा सिंह, आप यहाँ विज्ञान की शिक्षा बच्चों के लिए उपलब्ध कराई हुई हैं और तरह तरह के खेल, ये जादू, देखिए विज्ञान में जादू। अभी देखिए मैडम जादू दिखाने जा रही हैं बच्ची को, ये बच्ची यहाँ पे है, बच्ची खेलेगी जादू, देखेगी। ये देखिए ये देखिए घड़ा खाली हो चुका था, फिर उसमें पानी आ गया, तो ये एक जादू है जो मैडम दिखा रही हैं बच्चों को। बेटा आ जाइए, अरे हम देख चुके हैं। देखिए ये बहुत ही शानदार, ये देखिए ये दूसरी जादू देखिए। ये प्रेशर कहाँ लगता है तो ये देखा आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा शानदार जादू मैडम ने दिखाया। और ये बच्चे देखिए, ये भाई साहब मैडम के जादू की जांच कर रहे हैं और ये शानदार अवसर है बच्चों के लिए, सबके लिए। अब ये देखिए बच्चे आर्गुमेंट कर रहे हैं, ये देखिए भीड़, ये भीड़ देख सकते हैं आप। ये बेसिक शिक्षा परिषद का स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे भीड़ खचाखच और ये सारे शिक्षक बच्चे आनंद लेते हुए, अभिभावक बच्चे सभी इस बेसिक शिक्षा परिषद के स्टॉल में। और यहाँ पे शिक्षक लोग आते हुए, तो ये बहुत ही अच्छा नजारा है। यहाँ पे देखिए विकास सर भी आ चुके हैं, स्वागत है आपका। ये बहुत ही अच्छा नजारा है और यहाँ आप लोग अवश्य पधारे, आकर के देखिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ अगर किसी स्टॉल पे है तो बेसिक शिक्षा परिषद गोरखपुर के स्टॉल पे है। लोग यहाँ तरह तरह के चमत्कार देख रहे हैं, बच्चे बूढ़े सभी
इसका आनंद ले रहे हैं। और ये पहला दिन है, पहले ही दिन इतनी सारी भीड़ लोग, और यहाँ देखिए ये बच्चे गेम खेलते हुए, देखिए ये देखिए, शिक्षकों ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। गोरखपुर बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का ये एक विशेष जो उनका अपना अनुभव है, और वो जो अपने विद्यालयों पे करते हैं बच्चों को तरह तरह से सिखाने के लिए, उन सारे अपने गुण को, सारे अनुभव को यहाँ पे बच्चों के सबको देखने के लिए, सबको दिखाने के लिए यहाँ पे लगा रखा है। आप सभी यहाँ जरूर पधारें, आप अगर शिक्षक हैं तो भी पधारें, शिक्षक नहीं हैं तो भी पधारें, सौ परिवार पधारें और बेसिक शिक्षा परिषद गोरखपुर के इस प्रदर्शनी में लगे हुए, गोरखपुर महोत्सव में लगे हुए इस स्टॉल पर अवश्य आए, आकर के आप यहाँ देखें कि बेसिक शिक्षा परिषद किस प्रकार से विकास विकसित हो रहा है, और न सिर्फ बच्चों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाने का काम किया जा रहा है बल्कि कायाकल्प के माध्यम से विद्यालय को सुंदर बनाने का भी कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे 19 पॉइंट से परिपूर्ण ये विद्यालय का मॉडल लगा हुआ है। इस प्रकार के विद्यालय बनाए जाएंगे, उत्तर प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा परिषद के जो विद्यालय हैं वो इस प्रकार से बनाए जाएंगे, ये मॉडल यहाँ लगा हुआ है। तो आप सभी ये देखिए ये कितना सुंदर विकलांग शौचालय, विकलांग शौचालय ये जी, ये देखिए शौचालय है, ये क्लासरूम है, स्मार्ट क्लासरूम है, ये इस प्रकार की लाइब्रेरी, ये सारी चीजें, किचन सेट और रसोई घर, ये देखिए ये सारी चीजें, ये सारी सुविधाएं, आर वगैरह सब कुछ लगा होना चाहिए विद्यालय में। इस प्रकार से कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों को विकसित किया जाएगा और निरंतर विकास के क्षेत्र में कार्य हो भी रहा है। आने वाले समय में हमारे उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालय इस प्रकार से, इस मॉडल की तरह से विकसित किए जाएंगे, और वो विद्यालय जब इस प्रकार से विकसित हो जाएंगे तो सबके लिए एक नजीर पेश करेंगे, और वहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत ही अच्छे हैं, उसका भी नजारा हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये जो विद्यालयों में हो कार्य हो रहे हैं उनको देखिए, और ये देखिए यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग एक बार अवश्य पधारें और पधार करके यहाँ शिक्षकों का हौसला अफजाई करें, बेसिक शिक्षा परिषद के बढ़ते कदम की सराहना करें। धन्यवाद, नमस्कार।